ये रही आपकी रिपोर्ट और आप कभी बाप नहीं बन सकते। क्या 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 हुआ डॉक्टर, आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम आप में नहीं है बल्कि आपके हस्बैंड में है। वो कभी बाप नहीं बन सकते। और देखिए ईशान जी, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है जो दिक्कत है वो आपके अंदर है, बट अगर आप चाहें तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है। अब ये क्या मजाक है? एक तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर नहीं सकते, तो भला ये माँ कैसे बन सकती है? देखिए, आज की टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, और भी रास्ते हैं जिससे आप दोनों अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। डॉक्टर साहब, अगर कोई और रास्ता है तो प्लीज बताइए ना, हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे। अरे रुको एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, साफ साफ बताइए कि आखिर ये बच्चा हो कैसे सकता है, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं सुना कि अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, ये क्या होता है? जी हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसकी मदद से आप दोनों अपना बच्चा पा सकते हैं। और देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, जो भी प्रोसेस होगा वो हमारी देख रेख में होगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आज से पहले कभी इस टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में नहीं सुना था, तो मुझे एक दो दिन और टाइम चाहिए, तब हम आपको बता पाएंगे कि हमें बच्चा चाहिए या नहीं। चलो। यार मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, डॉक्टर कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चा हो सकता है, तू बता सही होगा भी या नहीं? अबे ये टेस्ट ट्यूब बेबी कुछ नहीं होता, तो अपने आप पे भरोसा रख, सब कुछ सही होगा। अच्छा चल ठीक है। अरे यार डॉक्टर ने तो मेरे अंदर कमी निकाल दी। अरे यार मैंने तो एक मूवी में भी देखा था, ऐसे जरूरी नहीं कि वो तेरा ही बच्चा हो, तेरी बेबी के पेट में किसी और का बच्चा भी डाल सकते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है? अबे ऐसे कैसे कर देंगे ये लोग, केस ना कर दूं उन पे मैं। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। चलिए जी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, हम लोग उस तरह से बच्चा नहीं करेंगे, समझी? लेकिन क्यों? डॉक्टर ने तो बताया था ना कि ये सेफ है, तो आप मना क्यों कर रहे हो? आप ये भी तो देखो कि इससे हम अपना बच्चा पा सकेंगे। अरे इसमें बहुत रिस्क है, डॉक्टर ने पूरी बात तो बताई नहीं, वो तो बस अपना पैसा बनाना चाहता है। तुम्हें पता भी है जरूरी नहीं कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा ही हो सकता है किसी और का खून डाल दे। ये लोग बहुत चालू होते डॉक्टर लोग, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिर घर वालों ने भी कहा है कि ये सब तरीका सही नहीं है, और एक ने तो फिल्म में भी देखा है, एक फिल्म में दिखाया है कि किसी और का बच्चा किसी और के पेट में डाल दिया। बताओ ये मजाक चल रहा है क्या? अच्छा जी, तो किसी मूवी को देखकर या किसी की कहीं सुनी बातों में आकर हम अपने बच्चे का सपना पूरा ना करें? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो, 6 साल हो गए हमारी शादी को और हमारा एक भी बच्चा नहीं है अभी तक। यही अगर मुझ में कमी होती तो लोग जाने मुझे किस किस नाम से बुलाते, और अब कभी आप में तो सब अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं। अरे आपको क्या पता, 6 साल से आपके माँ बाप की ताने सुन रही हूँ मैं। यही नहीं, उन्हें तो अभी भी ये लगता है कि कमी मुझ में है। और आपको तो याद है ना आपको क्या कहा था उन्होंने, कि आपकी दूसरी शादी करा देंगे लेकिन उन्हें पोता पोती चाहिए। अरे आप दूसरों की बातों को छोड़ो और एक बार गूगल करके देखो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी अपना बेबी इसी तरह पाया है, तो भला हम क्यों पीछे हटे? अगर आप मेरी माँ बनने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो मार दीजिए मुझे। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, ये देखो मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता यार, और अगर तुम्हें इसी तरह खुशी मिलेगी तो ठीक है, कल हम चलते हैं डॉक्टर के पास, उनसे हम बात कर लेंगे इस बारे में, और पैसों की बात कर लेंगे कि कितने पैसे लेंगे, तो ठीक है ना? थैंक यू सो मच। अच्छा चलो मैं चलता हूँ।